हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप वीडियो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बना रहे हैं होली की खास रेसिपी गुजिया। इसके बिना होली, दीपावली सब अधूरी रहती है। तो चलिए बनाते हैं इस होली की रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ हमने लिया है 2 कटोरी मैदा, इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। नमक एकदम 1 पिंच डालेंगे, इससे स्वाद गुजिया का बहुत ही अच्छा आता है। फिर डालेंगे हम गर्म किया हुआ घी। तो यहाँ हमारा 2 कटोरी मैदा है, तो हम इसमें 6-7 टेबल स्पून घी डालेंगे। देखिए, जब हम इसे मुट्ठी में बाइंड करेंगे तो इस तरह से मुट्ठी हमारा बंध जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर अच्छी तरीके से मैदा को मिला लेंगे। मैदा को मसल मसल कर थोड़ा सा हार्ड डो ही लगाना है। हार्ड डो लगाने के बाद हमारा गुजिया खस्ता बनेगा। तो डो का ध्यान रखें कि इसे मसल मसल कर अच्छी तरीके से मिलाएं। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए 1 कॉटन कपड़ा भिगाकर रख देंगे। जब आप इस रेसिपी को वीडियो देखकर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी को बना पाएंगे। तो अब हम गुजिया की जो मेन फिलिंग होती है तो उसकी अब हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ हम 1 लीटर दूध को खौलाकर इसका मावा बना लेंगे। इसे तेज आंच पर हम लगातार चलाते रहेंगे, उधर हमारा आटा तब तक रेस्ट हो जाएगा। दस से 15 मिनट में हमारा दूध खौलकर मावा बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसमें चीनी वगैरह कुछ भी अभी ऐड नहीं करेंगे, बस इसे इसी तरीके से जला लेंगे। जब आपके दूध की इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप फ्लेम गैस का बंद कर दीजिए और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बारीक कटा हुआ। कढ़ाई में हम इसे हल्का सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हल्का सा भूनने के बाद हमारा गुजिया ढेरों दिन तक आप इसे रख कर खा सकते हैं, यह जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसे लो फ्लेम पर हमें लगातार भूनना है। तो हमारा बादाम और काजू हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो यहाँ हमने सूखा नारियल डाला है, और थोड़ा सा किशमिश। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। बस इस तरीके से ही इसे भूनना है, ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। फिर से कढ़ाई में डालेंगे हम 4-5 टेबल स्पून घी, और इसमें हम अब सूजी को भून लेंगे। तो सूजी को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, जिससे कि हमारे गुजिया के अंदर का जो फिलिंग होगा उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में लगातार चलाते रहना है। जब तक हमारा सूजी भून रहा है, हम इधर चीनी और इलायची को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे। सूजी हमारा हल्का सा भून गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सूजी भूनने में 5-7 मिनट का टाइम लगा है। चीनी को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे मिलाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हम डाल रहे हैं चीनी बारीक पिसा हुआ, मावा, मावा को हम चीनी और ड्राई फ्रूट्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब हम सूजी वाले कढ़ाई में सारे मिक्सचर को मिला लेंगे। आटा को एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मसल मसल कर मिलाएंगे। आटा जितना अच्छा तरह से हमारा मिलेगा, गुजिया हमारा उतना ही टेस्टी और खस्ता बनेगा। तो आटा को 2 से 3 मिनट तक फिर से मसल मसल कर अच्छी तरह से मिलाएं। गुजिया के अंदर की फिलिंग को हमने घी में भुना है। अब हम गैस पर कढ़ाई में डाल रहे हैं रिफाइन। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ रिफाइन डाला है। मैदा का हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। जितना बड़ा हम पूरी का लेते हैं लोई, बस उतना ही छोटा छोटा हमें पूरी के तरह का ही लोई लेना है। अब हम इसमें हल्का सा परथन लगाएंगे मैदा का, और इसे बस थोड़ा थोड़ा सा मैदा का परथन लगाकर हमें गोल गोल इसका इस तरीके से हम पूरी की तरह बना लेंगे। और हमारे पास गुजिया का स्टैंड है तो हम उसमें डालकर बना रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरीके से पूरी के ऐसा बेल के और फिर इसे दोनों तरफ से पानी लगाकर भर लें, और फोक की मदद से आप इस पर डिजाइन बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे गुजिया को हम तैयार कर लेंगे। आप वीडियो देखकर जब इस रेसिपी को बनाएंगे, आपकी गुजिया परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर हमारा तेल गर्म रहना चाहिए, और लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई भी करेंगे। एक बार में जितना गुजिया हम डालेंगे उसे फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए, ऊपर से इसी तरीके से हम चम्मच से तेल डालेंगे, जिससे कि हमारा गुजिया दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल भी हो जाएगा और अंदर से यह क्रिस्प भी हो जाएगा। तो आप वीडियो देखकर आसान तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को बनाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू।